और बीजेपी ने तो यहाँ कोई काम करे ही नहीं है। तो कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे बीजेपी के? है ना जी, पर कोई सुनता तो नहीं ना किसी की भी। कोई भी नहीं आता यहाँ पर, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद सब अपने अपने घर में अपने अपने मौजा करते हैं। एक बार भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, 5 साल में एक बार भी नहीं कभी आया। अब सीएम बन गया, अब तो कहना क्या, अब तो आएगा क्या वो? पहले 5 साल में नहीं आया वो, अब क्या आएगा वो? अच्छा बात की, आप किसी भी एरिया में देख लो, बुरी हालत है यहाँ पर, चारों तरफ कचरा ही कचरा बिखरा पड़ा है। अमीन जी मिल तो मुश्किल है, तो जो आम जनता पार्टी है उसी के चांसेस ज्यादा हैं और वो ही जीतेंगे। अच्छा जी, पहले भी वो लड़का यहाँ चले गए या जीत का गए, पहले भी क्या कर लिया हमने? अब वोटों के टाइम में आ जाए, पहले 10 साल में कहाँ था नवीन जिंदल? आम आदमी ठीक रहेगा यहाँ तो? हरियाणा में आम आदमी के चांसेस है ना जी? हाँ, अभी भी ये कॉलोनी में पानी देख लो कितना कितना खड़ा है, कोई भी MLA कोई भी मंत्री कोई भी कुछ नहीं हल कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर और मेरा नाम है शबनम डोगरा। आप देख रहे हैं सत्य खबर का खास कार्यक्रम बोल सत्य बोल। इस समय मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा के शाहबाद शहर में हूँ, कुरुक्षेत्र जहाँ से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी नायाब सिंह सैनी यहाँ से सांसद थे। और जैसा आप सबको पता है कि चुनावों का दौर चल रहा है और हरियाणा अपने सियासी मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा टॉप पर रहता है। तो इस समय हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आने वाली लोकसभा में क्या होने वाला है। जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में लोकसभा में कौन जीतेगा? जैसे आपके यहाँ से नवीन जिंदल जी और इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, तो मतलब मैडम यहाँ कोई दफ्तर नहीं खुला, कोई दफ्तर खुलेगा उसके बाद ही आदमी सोचेगा किसकी वोट पानी है। और बीजेपी ने तो यहाँ कोई काम करे ही नहीं है। तो कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे बीजेपी के? है ना जी, पर कोई सुनता तो नहीं ना किसी की भी। क्यों यहाँ से तो सांसद नायाब सिंह सैनी जी थे? एक बार भी शक्ल भी नहीं देखी उसकी, नायब सिंह की एक बार भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, 5 साल में एक बार भी नहीं कभी आया। अब सीएम बन गया, अब तो कहना क्या, अब तो आएगा क्या वो? पहले 5 साल में नहीं आया वो, अब क्या आएगा वो? अब तो सीएम बन गया वो। तो यहाँ के लोग फिर किस पार्टी को ज्यादा वोट देंगे, क्या लग रहा है आपको? ऐसा है जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कोई दफ्तर खुलेगा उसके बाद देखते हैं कौन कैसा काम करता है, कौन आदमी आएगा बढ़िया उसको वोट देंगे। तो आपके यहाँ पे चुनावों की जैसे मतलब प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ अभी? शुरू अभी शुरू नहीं आई, कोई नहीं, नहीं अभी कोई शुरू नहीं आई। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि यहाँ पे कौन सा जो कैंडिडेट नवीन जिंदल जैसे कि बहुत बड़ा उद्योगपति है वो जीतेंगे या फिर जो सुशील गुप्ता जी हैं? देखो जो पब्लिक में जो सबसे बड़ा अच्छा जो बात होती है कि पब्लिक का काम आना। और शाहबाद के आप किसी भी एरिया में देख लो, बुरी हालत है यहाँ पर, चारों तरफ कचरा ही कचरा बिखरा पड़ा है। ये बराड़ा रोड है, बराड़े रोड पे आप यहाँ पर चारों तरफ जानवर और बहुत ही गंदगी है यहाँ पर, लेकिन अब तक कोई भी यहाँ पर कोई सुविधा हमारी लेने के लिए नहीं आया है। यहाँ पे नगर निगम है या पंचायत है? यहाँ पर नगर निगम है जी। नगर निगम वाले कुछ नहीं करते? नगर निगम वाले वो सिर्फ सिटी अंदर का कर सकते हैं, और जो साइड का है बराड़े रोड का तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है जी। तो यहाँ के लोकल लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, मतलब नगर निगम में कौन सी पार्टी है आपके यहाँ? नगर निगम में अभी ये इसके है जी जो रामकरण काड़ा है, जो ये BJP से तो ये इन्होंने कभी कोई शुद्ध नहीं लेते हैं कभी भी। JGP का है ये रामकरण काड़ा, लेकिन BJP के साथ इनका समझौता है, BJP में है ये। तो आपके यहाँ के लोगों ने कभी मतलब बोला नहीं उन लोगों को, या फिर उनको डर नहीं लगता कि वो लोग चुनाव हार जाएंगे? कोई भी नहीं आता यहाँ पर, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद सब अपने अपने घर में अपने अपने मौजा करते हैं। अब देखेंगे नहीं जैसा कोई देखेंगे, कोई कैंडिडेट अगर अच्छा है उसको हम मौका देंगे। जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो नवीन जिंदल जी लड़ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो आराम से जीत जाएंगे, बीजेपी के हैं प्रत्याशी हैं वो। ऐसा जी, पहले भी वो लड़का यहाँ चले गए या जीत का गए, पहले भी क्या कर लिया हमने? अब वोटों के टाइम में आ जाए, पहले 10 साल में कहाँ था नवीन जिंदल? एक दिन पहले वाजपेयी में BJP में लड़ रहा, अगले दिन टिकट मिल रहा, वो क्या काम कर लेगा? उन्हें अपना खतरा नहीं आता भी, अंदर जेल में नहीं जागा वो, ना खड़ा होता वो। तो फिर नवीन जिंदल की लहर नहीं है यहाँ? नवीन जिंदल की कोई लहर नहीं है, नवीन जिंदल का यहाँ कोई नाम नहीं है। बाकी यह है कि हम देखना चाहते हैं कि जैसे केजरीवाल है, अगर जैसे पंजाब में इन्होंने अच्छा काम किया है, तो देखेंगे यहाँ का जैसा माहौल बनता है, देखते हैं कैसा केजरीवाल का, ठीक है। हाँ, जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार आ गई है, अब वो मतलब गिरफ्तार भी हो गए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, तो हरियाणा ठीक रहेगा यहाँ का, आम आदमी ठीक रहेगा यहाँ। तो हरियाणा में आम आदमी के चांसेस है ना जी हाँ। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा तो बहुत चर्चा में रहती है, तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस की कोई भी अभी तक यहाँ पे देखो अभी कुछ कह नहीं, आम आदमी और कांग्रेस हाँ गठबंधन है, तो गठबंधन में ही जाएगा,
आम आदमी के वोट देगा, कांग्रेस को देगा, गठबंधन में जाएगा, वो बीजेपी में जाएगा। हाँ तो फिर क्या लग रहा है यहाँ के लोग, कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग, आम आदमी पार्टी का जोर रहेगा यहाँ तो? मतलब यहाँ पर तो जैसे कि नायाब सिंह सैनी जी सांसद रहे, उसके बाद आपके यहाँ से चेहरा गया मुख्यमंत्री का, अब क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पे कुरुक्षेत्र लोकसभा से? आम पार्टी का चांस है जी जीतने का यहाँ पे तो, आम आदमी। तो यहाँ के लोग मतलब सब गठबंधन वाली सीट को ही वोट देंगे? जी जी। आपको क्या लग रहा है यहाँ से नवीन जिंदल जी या फिर जो इंडिया गठबंधन के मतलब जो प्रत्याशी है कौन जीतने वाला है? नवीन जिंदल तो मुश्किल है, तो जो आम जनता पार्टी है उसी के चांसेस ज्यादा हैं और वो ही जीतेंगे। तो क्यों मतलब क्यों लग रहा है सर नवीन जिंदल जी क्यों नहीं जीतेंगे? फिलहाल जैसे वो 5-7 साल पहले जो वोटर ले जाते हैं उसके बाद हमें लोगों को पूछते नहीं है, वो ये गरीब जनता होती क्या है, हमारे किसी चीज़ के लिए काम नहीं होते, हमारी सड़कें ऐसी पड़ी, हमारी गली ऐसी पड़ी है, कहीं कोई घर नहीं है, कहीं के पास झुग्गी है, उनको देखते नहीं लोग क्या कर रहे हैं। क्यों क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना तो चलती है मोदी जी की गारंटी, उसके तहत आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मैम कुछ नहीं, हमारा कुछ सुविधा नहीं हो रहा है। आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया? जी जी, कहीं के हैं कहीं के नहीं, कहीं तो काम आपने लिया उसे आयुष्मान कार्ड के थ्रू? आप लोग अभी तक कोई कुछ काम जरूरत नहीं पड़ी है, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, पेमेंट नहीं आती है, आप बनाने हो या अभी लेकर जो पेमेंट जमा करवाओ तब चलेगा, तब चलेगा, कभी 10,000 मांगते कभी 20,000 मांगते, कोई फायदा नहीं इन चीजों का। क्यों इस भाई की टांग टूटी, इसने अपनी तरफ से पैसे लगाए सर, आयुष्मान कार्ड से लड़के का चला नहीं है, चला नहीं अपने पास से पैसे 2-2.5 लाख रुपए इन्होंने लगाया, गिरवी तब बनाया और उसने अपने टांग का लाश तब करवाया, तो कुछ नहीं आम जनता। क्यों प्रधानमंत्री जी तो अभी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं हरियाणा में कि जी हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, हमने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर मिलेगा जिनके पास जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। आयुष्मान कार्ड तो सिर्फ बोलने के लिए, चलने के लिए नहीं है, घर तो किसी सिर्फ कभी नहीं दिया, बोलने के लिए एक को भी किसी ने घर नहीं दिया, घर तो क्या एक एंट्री दी किसी ने लेके, ना कोई बात करते कोई आके, कोई फायदा नहीं, तंत्र ना पर रखा गलियों के अंदर, तब गलियां नहीं सुवारते, गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। क्यों रोजगार नहीं दे रहे? हम तो अपनी दिहाड़ी मींद खुद करते हैं, कबाड़ उठाते हैं तब जाके अपने चूल्हा कबाते हैं, हम जैसे गरीबों की नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं हमारे लिए। आप लोग वोट देते हैं? जी देते हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा में। हाँ हाँ देते हैं। तो फिर मतलब नवीन जिंदल जी यहाँ पे बीजेपी का मतलब जो प्रत्याशी है उसकी कोई लहर नहीं है, नहीं जीतने वाला है? कहा मतलब कहा तो ये जा रहा है नवीन जिंदल जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शिक्षा के विभाग में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, बट फिर भी वो तो अपने लिए, हमारे लिए नहीं है, वो अपने लिए, वो अपने हमारे लिए, हमारे लिए नहीं है, वो तो अपना बंगले के लिए, हमारे बंगले के लिए नहीं है वो। दस साल में मतलब 9.5 साल बीजेपी को हो चुके हैं सर, तो मतलब बीजेपी जेजेपी के जो गठबंधन है यहाँ पे, तो मतलब कोई काम नहीं हुआ है आपके इस इलाके में? जी नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ, ऐसी कैसी पड़े हैं सब लोग, ऐसे कैसी है? अभी भी ये कॉलोनी में पानी देख लो कितना कितना खड़ा है, कोई भी MLA कोई भी मंत्री कोई भी कुछ नहीं हल कर रहा है, नाले का नाला ना जोन सा ये नाले का पैंप बंद हो रखा है, कोई भी आज अभी तक पैंप नहीं खुला, पानी देखो पार्टी पास ये केजरीवाल अच्छी लग रही जी हमारे को। तो केजरीवाल मतलब इंडिया गठबंधन को आप लोग वोट देने वाले? नहीं जी, पंजाब में भी इतना अच्छा कर रहा है ना वो, हम उसको केजरीवाल को ही वोट देंगे जी। ठीक है खड़ा जी, अभी भी ये कॉलोनी में देख लो बाजी, वो पार्टी अच्छी है पंजाब में, अच्छा काम कर रहा है वो, अच्छे लगते हैं वो, काम अच्छे कर रहे हैं हर जगह, तो उन्हीं का ही झंडा लहराएगा 100% की 100%। तो अभी तो वो अरेस्ट हो गए तिहाड़ जेल में, कहा जा रहा है कि उन्होंने करप्शन किया, ये ओपिडेशन की चाल होती है, तो बोलने को बहुत कुछ है, जो काम अच्छे करते हैं उनको लोग कभी भी बुरा मानते ही मानते हैं, और जो बुरे हैं उनको लोग अच्छा दिखाते हैं, और जो बुरे हैं उनको लोग अच्छा दिखाते हैं, जो अच्छे हैं उनको बुरा दिखाते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल ही जीतेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा में आएगा जी, हमारी वोट उन्हीं के पास जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा इस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा के शाहबाद गांव के लोगों ने बताया कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में या गठबंधन के बीच में क्या हालात चल रहे हैं। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए और चुनाव के बारे में और जानने के लिए देखते रहे सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।